नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। आईपीएल सीजन 13 का सातवां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने शानदार जीत दर्ज की। बड़े मछली यानी कि सीएसके की टीम के खिलाफ और लगातार दो मैच जीतकर अब वो पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर के पायदान पर आ गए हैं। श्रेयस अय्यर की युवा फौज ने डैड सामी को बहुत बुरे तरीके से रौंदा। मैच के बाद महेंद्र सिंह धोनी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए, काफी ज्यादा परेशान नजर आए और गेंदबाजों पर तो भड़ास उन्होंने निकाली ही। साथ ही ये भी कहा कि हमारे बल्लेबाजों ने वो इंटेंट दिखाया ही नहीं। मुरली विजय शेन वॉटसन पर भी वो बरसे। उनका कहना था कि अगर आप एक बड़े टोटल का चेस कर रहे हो तो फिर आपको शुरुआत से थोड़ी हिटिंग करनी होगी। आप एकदम ही गेम को एंड तक ले जाने के चक्कर में कहीं ये ना कर दें कि भाई बाकी खिलाड़ियों पर प्रेशर बन जाए। फाफ डुप्लेसी ने काफी हद तक इंटेंट जो है वो दिखाया, लेकिन इसके अलावा मुरली विजय शेन वॉटसन पूरे फ्लॉप रहे। केदार जाधव की अगेन वही बात हम कर रहे हैं कि केदार जाधव आखिरकार क्यों है इस टीम में और क्यों उन्हें लगातार मौके दिए जा रहे हैं। जब आपको गेंदबाजी करानी नहीं है तो आप फिर एक प्रॉपर बैट्समैन ले आइए भाई डोमेस्टिक क्रिकेट में। और उस लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा सा सीएसके के लिए चिंता का सबब है। लेकिन एमएस धोनी ने कहा कि एक हफ्ते का गैप हमें मिला है, हम अंबति रायडू जब आ जाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किलें कम हो जाएंगी, क्योंकि अंबति रायडू ने पहला मैच काफी शानदार तरीके से खेला था जो मैच सीएसके की टीम ने जीता। उस लिहाज से अंबति रायडू इस टीम के इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, प्लस इनकी ओपनिंग की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी क्योंकि डुप्लेसी फॉर्म में है, रायडू फॉर्म में है, प्लस नीचे एमएस धोनी भी ठीक ठाक फॉर्म में लग रहे हैं, तो उस लिहाज से यह टीम थोड़ी मजबूत नजर आएगी, वो फायर पावर वापस आ जाएगी। वहीं सुरेश रैना को लेकर भी खबरों की माने तो एमएस धोनी ने सुरेश रैना को बुलावा भेजने की बात कही है। खबरों की माने तो धोनी खुद चाहते हैं कि एमएस धोनी की सुरेश रैना टीम में वापसी करें। दरअसल आईपीएल से पहले सुरेश रैना ने खुद को आईपीएल से ऑप्ट आउट करने का फैसला किया था और ये भी कहा था कि भाई मैं जो है वो थोड़ा सा अपने परिवार के प्रति कंसर्न हूँ और मेरे लिए मेरा परिवार सब कुछ है। और ये फैसला उनका निजी फैसला था क्योंकि जिस तरीके से इस महामारी ने प्रचंड रूप ले रखा है उस लिहाज से किसी को भी डर लगेगा। लेकिन सुरेश रैना ने भारत आकर यह भी कहा था कि अगर सीएसके की टीम को उनकी जरूरत पड़ी तो वो जरूर अवेलेबल हो जाएंगे। अब ऐसा लग रहा है कि सीएसके को चिन्नाथाला की जरूरत है और चिन्नाथाला जब मैदान पर लौटेंगे तो एक अलग ही करिश्मा देखने को मिल सकता है। खैर, सुरेश रैना को एमएस धोनी खुद इंटरेस्टेड हो गए हैं लाने में। अब देखना होगा कि 7 दिन के गैप के बाद क्या उनकी वापसी होती है या फिर मिड फेज ऑफ द टूर्नामेंट सुरेश रैना विल बी बैक। आपकी क्या राय है हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।